ये है 11th जनवरी। ये जीवी के साथ एक हादसा हो गया है। आज डैडीज को बाहर लेके गए थे और जब हम वापस आए हैं तो एनीवेज अभी मैं करने लगी हूँ अपनी कबर्ड। लेट्स सी इफ आई कैन और आई कांट। आई चेक आई सी कि मैं इसमें से क्या लेके जाने वाली हूँ। तो इसमें मैं वो डालती हूँ जो मैंने शिपिंग करानी है। मुझे प्रॉब्लम कपड़े माई नॉट श्योर कपड़े दीज आर माई कन्फर्म्ड कपड़े। दैट्स अ टक्स, ये मेरे अब्बा की शर्ट है। स्वेटर वेरी प्रिटी वेरी झबला, मेरी अम्मा को कभी नहीं पसंद आया। अच्छा मैं ऐसी रिलक्टेंट हो रही थी इतनी रात को इतनी जल्दी ये काम कर स्टार्ट करने में, मैं नहीं इसको देना चाहती। अ लॉट ऑफ गुड स्टफ कमिंग इन, आई थिंक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स। बहुत बोलती हूँ मैं, थक गई बोल बोल के। अच्छा जी, तो रात के बज रहे हैं इस वक्त 12:15 और ये है 11th जनवरी। 12th ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है। नीचे गई थी, सोचा था जल्दी वापस आऊँगी, नहीं आ पाई। डिस्कशंस, खाना पीना, जीवी के टैंट्रम, बीच में जीवी चला गया। तो करते कराते हम ये जीवी के साथ एक हादसा हो गया है। आज डैडीज को बाहर लेके गए थे और जब हम वापस आए हैं तो हमारे बाल नहीं थे। आई एम नॉट सो हैप्पी विद द कट बिकॉज मुझे इसके लंबे बाल, मुझे इसके कर्ल्स पसंद हैं एंड आई वॉन्टेड इट कि ये इसके बाल बड़े ही रहें जब ये जाए बाहर। बट आई थिंक ये स्पॉन्टेनियस होता तो मैंने कट कराना भी था और सब कहते थे कि कटिंग इसी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगी होती है। इट्स बेटर कि आप एक कटिंग करा के जाओ। Look at the gale. I love his cheeks. Such red cheeks he got. He got such red cheeks. Beautiful. Anyways, अभी मैं करने लगी हूँ अपनी कबर्ड। ये जो मेरे पीछे एक जाइंट कबर्ड है इसकी हम एक स्लाइडर अभी फिलहाल यूज करेंगे। मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ कैसे स्लाइड होती है। और ये मेरा सामान नॉर्मली बहुत ऑर्गेनाइज होता है बिकॉज आई एम अन ऑर्गेनाइज फ्रीक, बट ये काफ़ी देर से सेट नहीं हुई है तो मैं इसमें लिटरली कपड़े ठूस रही थी इसलिए। बिकॉज एक चीज़ तो मुझे पता भी थी कि मैंने इसको खाली करना ही करना है। सो आई एम गोना स्टार्ट डूइंग दिस नाउ रात के 12 बजे। लेट्स सी इफ आई कैन और आई कांट, जितनी कर सकी। मीनवाइल ये एक इतने लाइफ साइज का टीवी से भी बड़ा एक शॉपर आया। आई विल पुट सम सामान इन इट। लेट्स सी मैं इसमें क्या डालती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द मिड सेक्शन, मिड बॉक्स, बिकॉज उसमें मेरे सबसे मेन इंपॉर्टेंट कपड़े पड़े होते हैं। आई चेक आई सी कि मैं इसमें से क्या लेके जाने वाली हूँ। आई बॉट सम न्यू चादर, मैंने भी ऐसी को शादी थी इनको भी मैं फिलर साइज कर। इसमें मैं वो डालती हूँ जो मैंने शिपिंग करानी है मुझे प्रॉब्लम कपड़े। ये मेरी बहुत अच्छी फॉर्मल शर्ट्स हैं, ये भी मेरी फॉर्मल शर्ट है। दीज आर माई नॉट श्योर कपड़े दीज आर माई कन्फर्म्ड कपड़े। अनदर फॉर्मल शर्ट, ऑल द पुरानी है बट आई लव इट। ये फ्रॉक है, आई लव इट, मेरी बहुत खूबसूरत फ्रॉक है, आई विल कीप इट। दैट्स अ टक्स, ये मेरे अब्बा की शर्ट है, ऑल दो ये बहुत पुरानी हो चुकी है बट आई लव्ड इट। ये मैं नॉट श्योर में रख रही हूँ। अच्छा दैट्स अनदर स्वेटर, वेरी प्रिटी वेरी झबला, मेरी अम्मा को कभी नहीं पसंद आया बट आई लव्ड इट। इसके साथ की मेरे पास अग्स भी हैं। दैट्स माई टॉप, आई लव्ड इट। मैं अपने सारे कपड़े धो के लेके जा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द लॉन्ड्री पार्ट राइट नाउ। अच्छा ये भी जर्मनी से आई हुई है, मेरी एक फ्रेंड जर्मनी में रहती है तो मेरा मोस्टली सप्लाई जर्मनी से आता था। इट्स अ फ्रॉक, ये बहुत लंबी फ्रॉक थी, मैंने इसको कट करवा दिया था बट आई थिंक इस तरह का स्टफ वहाँ पे चलेगा। इट्स अ विंटर स्टफ एंड इट्स अ फ्रॉक, आई लव फ्लेरी थिंग। अच्छा मैं ऐसी रिलक्टेंट हो रही थी इतनी रात को इतनी जल्दी ये काम कर स्टार्ट करने में बट आई थिंक मैंने फटाफट ही कर लिया। अच्छा इट्स अ वेरी पुराना स्वेटर बट आई लव्ड इट। आई डोंट नो इफ आई कैन, मैं नहीं इसको देना चाहती। आई विल पुट इट इन नॉट श्योर कैटेगरी। इट्स अ वेरी एलिगेंट टॉप, आई एम कीपिंग दिस, ये साइमन की चॉइस की है। दैट्स अ टॉप, आई बॉट इट फ्रॉम टर्की, इसको मैं टक इन करके पहनती। दैट्स अनदर प्लस साइज टॉप, ये मैंने अपनी ड्यूरिंग मैटर्निटी लिया था। नॉट
ये मेरे पास मेरी अम्मा का एक दुपट्टा पड़ा था जिसका मुझे अक्सा ने टॉप बना के दिया। ये टक इन करके बड़ा मजे का लगता है, ऑल्दो इट्स अ प्लस साइज। मुझे कुछ प्लस साइज टॉप्स पहनना अच्छा लगता है बिकॉज मैं टक इन करके थोड़ा बैगी बना लेती हूँ। ये मेरा लगेज तैयार हो रहा है बाय द वे। ऑल्दो मैंने वेट पुट ऑन किया तो मैं इसमें थोड़ी मोटी लगती हूँ, बट आई विल रिड्यूस माई वेट एंड देन आई विल गेट बैक इन दिस टॉप। दिस इज अनदर प्लस साइज स्वेटर साइमन की चॉइस का, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया था। आई एम कीपिंग इट माई वेरी फेवरेट फ्रॉक, ऑल्दो मैं अब इस पर थोड़ी मोटी लग रही हूँ, बट इट्स अ वेरी फेवरेट ड्रेस। ये मैंने टर्की से लिया हुआ है, सो आई एम कीपिंग दिस। दैट्स अ मिंत्रा टॉप, कुछ ब्रांड्स के नाम याद है मुझे, मिंत्रा का टॉप है ये। इट्स अ वेरी प्रिटी, वेरी एलिगेंट ऑफ शोल्डर टॉप। ऑल्दो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई ऑफ शोल्डर पहनने की, आई डोंट नो फॉर सम रीजन मुझे ऑफ शोल्डर इरिटेट करती हैं, अनॉय करती हैं, तो मैं नहीं पहन सकती। बट दैट्स माई वेरी प्रिटी टॉप, आई एम कीपिंग इट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जीवी मेरा एक टॉप संभाल के बैठो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कटिंग के साथ। थैंक यू, गिव इट टू मी, थैंक यू। दैट्स अनदर टॉप, आई थिंक ये भी इंजन का है, साइमन्स चॉइस अगेन, मेरी एनिवर्सरी पे मैंने लिया था, सो आई एम कीपिंग इट। ओके जी, एक बॉक्स खाली हो चुका है, उसके अंदर के जो कपड़े हैं मैं दूसरे कमरे में जाके सूटकेस में भी रख चुकी हूँ। मतलब अभी रैंडमली आई जस्ट पुट इट देयर ताकि मुझे पता हो कि ये मेरे लगेज भी जाएंगे, अभी उसमें से भी काफ़ी कांट छांट होगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सेकेंड बॉक्स की तरफ, उसमें भी मेरा काफ़ी वेस्टर्न स्टफ है, शायद थोड़ा ईस्टर्न स्टफ है, थोड़ा मिक्स पड़ा हुआ है। तो बेट अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक फ्रॉक है, वेरी कैजुअल सा, पार्टीज वगैरह में पहनने वाला है, इट्स अ लेंथ फ्रॉक। आई थिंक आई एम कीपिंग दिस, आई विल टेक इट विद मी। ये भी मेरा बहुत 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 पुराना टॉप है, आई थिंक आई विल गिव इट टू समवन नाउ बिकॉज ये बहुत पुराना है, बट स्टिल मैं इसको नॉट शोर की कैटेगरी में डाल रही हूँ। ये टॉप्स ख़राब नहीं होते हैं, ये भी लाइमलाइट के, ये नहीं ख़राब होती हैं टॉप्स। अ लॉट ऑफ गुड स्टफ कमिंग इन, कितनी चीज़ें पीछे जा चुकी हैं और मैं आगे से रिपीट करती रहती हूँ चीज़ें, और पिछली वाली मुझे पता ही नहीं। ये मैंने फोर्ट्रेस से लोकल किसी शॉप से ख़रीदा हुआ है, इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस। ये मैं जब पहनती हूँ ना इसकी बहुत तारीफें होती हैं, सो आई एम कीपिंग इट। अच्छा जी, ये मेरा एक लाइमलाइट का फ्रॉक है, वेरी प्रिटी फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद था, बट अब ये मुझे थोड़ा टाइट हो गया है, और ये स्ट्रेची टॉप ने फ्रॉक नहीं है, तो आई एम पुटिंग इट इट नॉट श्योर, मैं एक दफ़ा आई विल गिव इट अ ट्राई। अगर ये मुझे नहीं आया तो आई एम नॉट कैरिंग एक्स्ट्रा लगेज, इस उम्मीद में कि मैं पतली हो जाऊँगी तो उसमें आ जाऊँगी, ऑल्दो कि मैं इंशाल्लाह हो जाऊँगी पतली, बट नॉट श्योर। ये भी मैंने लिबर्टी से रैंडमली पकड़ा था, जब लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट जब पहना तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, मैं इसको नॉर्मली टक इन करके पहन लेती तो दैट लुक्स गुड, बट इसको मैं शिपिंग में डाल रही हूँ बिकॉज इट्स अ समर स्टफ। दैट्स अ जंपसूट, इट्स एक्चुअली अ रॉम्पर, ये रॉम्पर है मेरा, ये मैंने टर्की से लिया था। इसकी पॉकेट्स बेचारी की जुबानें बाहर लटक रही हैं। ये वाला आई एम कीपिंग इट, शायद मैं आजकल में पहन भी लूँगी। अनदर टॉप अलमास से लिया हुआ है गेस मैंने शायद, हाँ अलमास का टॉप है, ऑफ शोल्डर टक इन करके पहनती हूँ, अगेन प्लस साइज, तो इसको मैं शिपिंग में ही लेकर आऊँगी बिकॉज इसका अगेन वही मसला है कि समर्स टॉप है और बाजू ऐसे हैं कि ऊपर कुछ नहीं पहना जा सकता। ये मेरा बहुत पुराना टॉप है, ड्रेस है एक्चुअली, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको देना चाहती हूँ कि नहीं, इसको मैं नॉट श्योर में डालूँगी। ये लाइमलाइट की कॉपी करवाई थी, मेरी कज़न का लाइमलाइट का टॉप आया था बहुत प्यारा, मैंने उसको देख के ये अपना टॉप बनवाया था। हाय, ये मेरा बहुत फेवरेट है, आई थिंक आई एम कीपिंग इट, आई एम नॉट पुटिंग इट अवे। कुकी मॉन्स्टर, मैंने अभी भी कुकी मॉन्स्टर पहना हुआ, आई लव कुकी मॉन्स्टर्स, नॉट श्योर मैं इसको देना चाहती कि नहीं, ये यहाँ से सारा ख़राब हो गया, मैं इसको कुछ डी आई वाई कर लूँगी इसका, बट आई लव दिस वन, बट इसको मैं शिपिंग में डाल रही हूँ। 12:30 हो चुके हैं, काफ़ी जल्दी काम निपटा लिया हमने, मैं नॉट श्योर कपड़ों का ये इतना बड़ा शॉपर बना चुकी हूँ जो शायद शिपिंग में जाएंगे, और मुझे लग रहा है मैं इसमें काफ़ी कॉन्शंट और करूँगी बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स, बिकॉज मैं बहुत बड़ा होर्डर हूँ, मैं जल्दी कोई चीज़ को लेट गो नहीं करती,
मैं अगर मुझे भूल गया, मुझे साथ साथ एज भी बतानी चाहिए थी मेरे कपड़ों की। मेरे कपड़े 10 से 15 साल पुराने भी है, बिकॉज मैंने इससे ज़्यादा वेट कभी नहीं पुट ऑन किया। इवन मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरा बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं हुआ था। तो मेरे कपड़े एज नहीं करते और मेरे कपड़े साइज में भी नहीं बदलते हैं। बहुत रेयर होते हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, क्योंकि एक तो मैं पहले ही पहनती ही फ्लेक्सिबल प्लस साइज कपड़े हूँ। एज यू कैन सी मेरे काफ़ी कपड़े बड़े बड़े थे। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं तो वो फंस जाती हैं, आ जाती हैं मुझे ना। और वैसे भी मैं फ्लक्चुएट करती रहती हूँ अपने वजन में ना, तो मैं वापस आ जाती हूँ। सो फाइनल डब्बा, नीचे बेडशीट्स पड़ी हैं जो मैं नहीं लेके जाने वाली, तो आई एम गोइंग फॉर द फाइनल डब्बा विच गॉट ऑल माई ट्राउजर्स एंड पैंट्स एंड एवरी जीन्स एंड एवरी थिंग। पूरा डब्बा है उसका भी, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक हाई वेस्ट पैंट्स एंड ट्राउजर्स एंड स्टफ। काफ़ी स्टफ है। दिस इज अनदर हाई वेस्ट ट्राउजर। बहुत बोलती हूँ मैं, थक गई बोल बोल के। ये मैंने रिसेंटली पैंट खरीदी थी, हाई वेस्ट अनदर हाई वेस्ट। फोर्ट्रेस पे एक बहुत मज़े की शॉप है, मिक्स मैच या पता नहीं आई डोंट श्योर का क्या नाम है। बहुत अच्छा वेस्टर्न स्टफ मिलता है रीजनेबल प्राइस पे। खैर अब उनकी प्राइसेस भी रीजनेबल नहीं रही हैं। अनदर गॉट इट फ्रॉम फोर्ट्रेस, वेरी गुड वन। प्रॉब्ली आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा ये हाई वेस्ट। इसको मैं वेस्टर्न के साथ भी यूज़ करती हूँ, मैं इसको ईस्टर्न के साथ एज अ शरारा भी यूज़ करती हूँ। स्कर्ट गॉट इट फ्रॉम ब्रेकआउट, इसकी वेस्ट मुझे टाइट है बट मैं इसका कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इसको पहन लेती तो डेफिनेटली कीपिंग इट। ये मैंने वन से ख़रीदा हुआ है मेरा जंप सूट। ऑल दो मैं अब इस पर थोड़ा सा भालू लगूंगी बिकॉज मेरा पेट फूट बाहर आ गया थोड़ा, बट डेफिनेटली कीपिंग इट। माई फ्रेंड बॉट दिस वेरी सेक्सी जंप सूट फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी का बहुत स्टफ है मेरे पास। इट्स अ वेरी प्रिटी वन बट ये शायद मुझे अभी ना आए। आई नीड टू चेक दिस वन, डेफिनेटली चेक करके फिर इसको पहनूं। दिस इज़ अ वेरी गुड वन। वही जो मैंने बताया फोर्ट्रेस में एक शॉप है, ये मैंने वहाँ से लिया था। दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ मेनी ऑफ माई ड्रेसेज जो स्लीवलेस होती हैं उनके साथ। देन आई विल कीप दिस जैकेट, डेफिनेटली कीपिंग इट। पिंक, ये मेरी बहुत प्यारी स्वेटर है, बहुत प्यारी स्वेटर है, बट ना ये यहाँ से थोड़ी ख़राब हो गई है। सो आई विल DIY दिस वन बट डेफिनेटली कीपिंग इट। इसको नहीं मैं छोड़ सकती, बहुत प्यारी है। एंड आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। तीनों बॉक्सेस हो चुके हैं। कुछ कपड़े हैं जो मैंने साइज करके चेक करने हैं। कल मैं आपको वो वाले कपड़े भी दिखाऊंगी जो मेरे हैंड है, उन सारों को भी मैं उतारूंगी और उनको मैं वीकेंड पे लॉन्ड्री कर लूंगी डेफिनेटली, बिकॉज उधर लॉन्ड्री का मुझे भी सीन नहीं पता। तो मैं यहाँ से सबको लॉन्ड्री करके अच्छी तरह सुखा के फिर लेके जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ये मेरे बेड की हालत है फिलहाल। अब इसको समेटूंगी और फिर सोऊंगी। और 12:40 हो चुकी हैं। सो साइनिंग आउट फॉर टुडे। बहुत बोली हूँ, गला थक गया है मेरा। जीवी से बाय।